सदगुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, देखिए बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छे वचन फरमाए कि अच्छी करनी जो भी करनी है इस समय हमें कर लेनी चाहिए, यानी कि जो भी करना है वही हमारे अंत समय काम आएगा। या यूँ कह लो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी ने हमेशा समझाया है कि जितना मौका मिले हमें सेवा करनी चाहिए, और सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो है भजन सुमरन की। यानी कि यदि हमने भजन सुमरन करना शुरू कर दिया तो हमारा जो मन है वहाँ हम पे हावी कभी नहीं होगा, और धीरे धीरे हमारा मन सुमरन से एकाग्र होता चला जाएगा, जिससे कि हम नेक करनी करने लग जाएंगे। कभी भी हम जो भी कार्य करेंगे वहाँ सब कुछ समर्पित उस ईश्वर को कर देंगे, वो भजन सुमरन में धीरे धीरे हमारी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। जिस दिन हम सुमरन पूरा करके भजन में बैठेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर जो रूहानी मंडलों की जो यात्रा है वह प्रारंभ होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारी रूह ऊपर चढ़ती जाएगी, हम यह देखेंगे कि हमें सब कुछ अंतर्मन में दिखाई देने लग जाएगा, और उस कुल मालिक के घर से जो दिव्य प्रकाश आ रहा है वह भी हमें अपने आप अंदर प्रकट होता चला जाएगा। और सबसे जो उत्तम है वह है शब्द धुन, वह भी हमें धीरे धीरे स्पष्ट रूप से सुनाई देने लग जाएगी। बाबा जी महाराज जी ने फरमाया है कि जो भी हमारे अंतर्मन में सुनाई देता है हमें कभी भी उसमें कोई भी भेदभाव, यानी कि हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो सुनाई दे रहा है हमें धीरे धीरे सुनते रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हमें संकोच या कोई भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उसे धीरे धीरे हमें अभ्यास के द्वारा स्पष्ट करते जाना है। और यह स्पष्ट तभी होगा जब हम भजन सुमरन में समय बढ़ाएंगे, इसलिए हमें नित्यनियम से भजन सुमरन करना चाहिए। और सबसे बड़ी अगर सेवा कोई है तो वह है भजन सेवा, यानी कि भजन सेवा की सेवा सबसे बड़ी उत्तम सेवा मानी गई है। जब हम भजन सुमरन में पूरा वक्त देंगे तो हम अपने मुक्ति के द्वार को प्राप्त कर सकते हैं जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो मिल सके जी। धन्यवाद।